हेलो साथियों, नमस्कार। यहाँ पर डेली ग्रोथ चैनल जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी आपको अवगत कराता है, समय से आपको देता है, तो उसी में बताना चाहूँगा कि जो 15 अगस्त का त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाएगा, और अपने उत्तर प्रदेश में कितने समय झंडारोहण किया जाएगा वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही कितने ध्वज इस बार उत्तर प्रदेश में फहराए जाएंगे ये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप चैनल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार जो लक्ष्य रखा गया है झंडे फहराने का, तिरंगे फहराने का, वो 5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया है, और हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ये लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार ये लक्ष्य कम था, उसको बढ़ा दिया गया है, और ये जो लक्ष्य है घर, ऑफिस, स्कूल, दुकान हो या औद्योगिक संस्थान हो, सभी में तिरंगा फहराया जाएगा। बीते साल 4.76 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य था, जबकि इस बार इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कहाँ पर झंडा कितने समय फहराया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही आदेश है, और ये आदेश जो निकाला गया है वो सेवा में समस्त जिला अधिकारियों के लिए है, और किसके द्वारा है? समस्त जिला अधिकारियों के लिए ये आदेश जो लिखा गया है, जो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से है, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 मनाए जाने के संबंध में। तो इस संबंध में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 77 यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाएगा, और इसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के संबंध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस रूपरेखा में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे शिक्षक साथियों का प्रश्न रहता है कि ध्वजारोहण कितने समय किया जाए, तो उसका उत्तर ये साफ इसमें है कि 15 अगस्त को प्रातः 9:15 बजे प्रदेश मुख्यालय पर एवं 10:15 बजे जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर निकायों आदि सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियाँ बांध कर फहराया जाए। तो इसमें ये साफ यहाँ पर कर दिया गया है। और इस बार जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो प्रदेश में स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ, माटी को नमन, वीरों का वंदन थीम के साथ मनाई जाए। तो ये इस प्रकार से इस बार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आपके लिए उपयोगी लगे तो आप अपने साथियों में, शिक्षक साथियों में जरूर इसे शेयर करें। साथ ही डेली ग्रो चैनल जो बेसिक शिक्षक हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है।